हेलो एवरीवन, आपने प्रीवियस लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं अबाउट द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दैट वर कंडक्टेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे अबाउट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है इन द ग्रीन प्लांट्स? यस, इट्स द लीव्स। बट बिसाइड्स द लीव्स, देर आर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कुछ और पार्ट्स भी हैं प्लांट के जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सेपल्स। सेपल्स यूजुअली ग्रीन होते हैं कलर में एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। सेपल्स क्या हैं? दे आर द मेंबर्स ऑफ द आउटरमोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, दैट इज द कैलिक्स। इसके अलावा जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनकी स्टेम भी क्या होती है? ग्रीन इन कलर एंड सॉफ्ट। इट ऑल्सो परफॉर्म्स द फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रैपा और टीनोस्पोरा की, तो इनके अंदर जो रूट्स होती हैं उसके कॉर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो ये भी क्या होंगी? फोटोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी इन फंक्शन। तो यहाँ हम लिखेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। बट अपार्ट फ्रॉम लीव्स, अदर पार्ट्स ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से पार्ट्स आएंगे? जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहला आता है सेपल्स। सेपल्स आर द मेंबर्स ऑफ द वॉल कैलिक्स। यूजुअली दे आर ग्रीन इन कलर एंड आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकेंड जो आता है दैट इज स्टेम ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स। इसके अलावा क्लेडोड एंड फिलोक्लेड। क्लेडोड और फिलोक्लेड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन द प्लांट मॉर्फोलॉजी। दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम्स विच आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लेडोड में एग्जाम्पल आता है एस्पेरेगस का और फिलोक्लेड में एग्जाम्पल आता है ओपनशिया एंड यूफोरबिया का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिसाइड्स द सेपल्स एंड द स्टेम ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स अबाउट द रूट्स। रूट्स कैसी होंगी? एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक इन ट्रैपा एंड टीनोस्पोरा। क्लियर? तो यहां हमने क्या देखा है? द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। बट बिसाइड्स द लीव्स, देर आर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, जैसे कि सेपल्स विच आर यूजुअली ग्रीन इन कलर, स्टेम ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स, क्लेडोड एंड फिलोक्लेड। इसके अलावा आ जाता है रूट्स। रूट्स भी कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे ट्रैपा हो गया, टीनोस्पोरा हो गया, इनके अंदर क्या होती हैं? एसिमिलेटरी होती हैं या फोटोसिंथेटिक होती हैं। इन ग्रीन प्लांट्स द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द क्लोरोप्लास्ट, जबकि बैक्टीरिया के अंदर हम बात करें तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस, दैट इज द क्रोमैटोफोर्स विच कंसिस्ट ऑफ द पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच हेल्प इन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्रोमैटोफोर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ही क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन हम इसको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन।
दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. सो लेट अस मार्क दिस. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. इन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट द पेरीप्लास्टिडियल स्पेस. क्लियर? अब इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड रहता है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द स्ट्रोमा. तो इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड रहेगा दैट विल बी द स्ट्रोमा. क्लियर? अब स्ट्रोमा के अंदर क्या देखने को मिलेगा? एक तो देखने को मिलता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए. बिकॉज ये क्या है? एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन शो करता है. तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जैसा ही यहाँ पर डीएनए देखने को मिलता है. दैट इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए. इसको प्लास्टिडोम भी कहा जाता है. दिस इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए. इसके अलावा देखने को मिलता है 70S राइबोसोम्स एंड आरएनए. सो देर आर प्रेजेंट 70S राइबोसोम्स एंड आरएनए. क्लियर? इसके अलावा यहां पर मौजूद होता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दैट इज नोन एज अ थायलेकोइड. थायलेकोइड इज सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है जैसे एक टायर ट्यूब होती है. क्लियर? यहाँ पर थायलेकोइड जो है एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं टू फॉर्म अ स्टैक एंड दैट स्टैक इज नोन एज द ग्रैनम. क्लियर? तो यहाँ अगर हम देखें तो थायलेकोइड्स जो हैं दे आर अरेंज वन अबव द अनदर. 2 to 100 तक का रेंज हो सकता है टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द ग्रैनम. ग्रैनम का नंबर भी वेरी करता है इन द क्लोरोप्लास्ट एंड दीज ग्रैनम आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड विद द क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन लाइक दिस. क्लियर? तो इसको हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट एज द ग्रैनम एंड दिस इज द फ्रेट चैनल्स और इंटरग्रैनल थायलेकोइड और स्ट्रोमल लैमेले. दे आर द लार्जेस्ट थायलेकोइड. क्लियर? नाउ इसके अलावा यहां पर देखने को मिलेंगे स्टार्च ग्रैन्यूल्स एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स. क्लियर? सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज अ डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर. इट कंसिस्ट ऑफ द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन. इन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट द पेरीप्लास्टिडियल स्पेस. और ये जो स्पेस इनक्लोज करता है यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड रहता है दैट इज द स्ट्रोमा. स्ट्रोमा के अंदर क्या मौजूद है? स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ द डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर डी एन ए प्लस आर एन ए प्लस 70S राइबोसोम्स. तो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, आरएनए एंड 70S राइबोसोम्स. तो एक तरीके से कंप्लीट प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी यहाँ पर मौजूद है. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली. क्योंकि कुछ प्रोटीन्स तो यहाँ पर बनते हैं लेकिन बाकी प्रोटीन्स के लिए किस पे डिपेंडेंट है? ऑन द न्यूक्लियर जीन्स. हेंस वी कॉल इट एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली.
इसके अलावा यहाँ मौजूद होते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड एंजाइम्स ऑफ द डार्क रिएक्शन। देखिए, फोटोसिंथेसिस के अंदर बेसिकली दो प्रोसेसेस कैरी आउट होती हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन, विच इज़ लाइट डिपेंडेंट, और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट, दैट इज़ द डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन का मेन एंजाइम है, दैट इज़ द रूबिस्को। और रूबिस्को कहाँ मौजूद होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ, विच इज़ प्रेजेंट इन द ऑर्गेनली, दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। नाउ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट का, दैट इज़ द थायलेकोइड। और थायलेकोइड क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सैक लाइक होता है, एंड दे आर अरेंज वन अबव द अनदर टू फॉर्म अ स्टैक। दैट स्टैक इज नोन एज द ग्रैनम। अ नंबर ऑफ ग्रैनम आर प्रेजेंट हियर। तो बहुत सारे जब ग्रैनम होते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? ग्रैना। तो दीज ग्रैना आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाई मीन्स ऑफ द स्ट्रोमल लैमिले और द फ्रेट चैनल्स और द इंटरग्रैनल थैलेकोइड्स। दीज आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट थैलेकोइड्स। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर लिपिड ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिलेंगे और स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है, इट पोजेस द इंटरनल थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम। दो मेम्ब्रेन तो क्लोरोप्लास्ट की खुद की हो गई, बिकॉज इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। और थर्ड मेम्ब्रेन जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है, दैट इज ऑफ द थायलेकोइड। सो दैट वॉज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जब हम बात करते हैं हायर प्लांट्स की, तो हायर प्लांट्स के अंदर किस टाइप का क्लोरोप्लास्ट मिलेगा? दैट इज़ विद द ग्रैनल थायलेकोइड। यानी यहाँ पर थायलेकोइड्स आर अरेंज वन अबव द अनदर टू फॉर्म द स्ट्रक्चर, दैट इज़ नोन एज द ग्रैनम। तो जब ग्रैनम मौजूद होता है उसको हम कहते हैं ग्रैनल थायलेकोइड। जबकि जो यूकैरियोटिक एल्गे हैं, इनके अंदर जो है थायलेकोइड्स विल नॉट बी अरेंज वन अबव द अनदर टू फॉर्म द ग्रैनम। तो इनके अंदर ग्रैनम देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे थायलेकोइड्स को हम क्या कहते हैं? वी विल कॉल इट एज द अग्रैनल थायलेकोइड। तो हम कह सकते हैं हायर प्लांट्स में क्या मिल रहा है? ग्रैनल थायलेकोइड्स। और एल्गे यानी यूकैरियोटिक एल्गे की हम बात कर रहे हैं, तो यहां क्या मिलेगा? अग्रैनल थायलेकोइड्स। यानी यहां पर ग्रैनम प्रेजेंट है और यहां पर ग्रैनम एब्सेंट है। So this is all about the site of photosynthesis, that is the chloroplast in the case of the green plants. क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कह देते हैं? फोटोसिंथेटिक अपैरेटस भी कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, या हम इसे एनर्जी ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, बिकॉज हेयर ओनली द लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट का, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर द थायलेकोइड्स, विच आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। क्लियर? एंड इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, they are the quanta zones. These quanta zones consist of 230 chlorophyll molecules and 50 carotenoids. इसमें भी 160 chlorophyll A and 70 chlorophyll B molecules are there. तो ये क्वांटा जोम्स कैसे देखने को मिलेंगे थायलेकोइड्स में? सपोज दिस इज द थायलेकोइड, ऑन द इनर साइड ऑफ द थायलेकोइड दे आर प्रेजेंट लाइक दिस ऑल ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द थायलेकोइड। और ये क्वांटा जोम्स के अंदर क्या मौजूद होगा? देर आर प्रेजेंट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सो दीज आर द क्वांटा जोम्स, दिस इज द थायलेकोइड मेम्ब्रेन, and these are the photosynthetic pigments. Clear?
तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज द थाइलाकोइड एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज द क्वांटाजोम. क्वांटाजोम कंसिस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दैट इज द क्लोरोफिल एंड द कैरेटिनॉइड्स. कहाँ मौजूद होता है क्वांटाजोम? ऑन द इनर साइड ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन. एंड ये पूरे एंटायर सर्फेस पे देखने को मिलेगा. अगर हम बोलें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ मौजूद हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, मोर स्पेसिफिकली क्वांटाजोम्स. अगर क्वांटाजोम्स मेंशन नहीं है, देन यू विल राइट दे आर प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट शो करता है क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर. ये बिल्कुल वैसा ही है, सपोज आपकी मैम ने पूरी क्लास के स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया सेपरेट टीम्स में और हर टीम को एक टास्क दिया गया है जो कि उसको फुलफिल करना है. सेम इज द केस हियर. क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है मेम्ब्रेनियस सिस्टम एंड द फ्लूइड स्ट्रोमा. तो जो मेम्ब्रेनियस सिस्टम है, यहाँ पर परफॉर्म होता है लाइट रिएक्शन, जिसके दौरान लाइट एनर्जी ट्रैप करी जाती है और बनती है एसिमिलेटरी पावर दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच, जो कि यूटिलाइज होगी इन द डार्क रिएक्शन. और डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है? इन द फ्लूइड स्ट्रोमा. सो विल राइट हियर, इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज प्रेजेंट द मेम्ब्रेनियस सिस्टम and the fluid stroma. Membranous system में क्या होगा? There occurs trapping of the light energy and formation of assimilatory pair. Formation of assimilatory power. What is the assimilatory power? That is the ATP and NADPH. And this reaction is known as light reaction. ऐसा क्यों है? Because this is dependent on the light. Light पे dependent है. As it is dependent on light. Clear? सेकेंड जो होता है दैट इज द डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है? फ्लूइड स्ट्रोमा में, जिसके अंदर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन और एसिमिलेशन और रिडक्शन टू फॉर्म द शुगर्स. तो यहां पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टू फॉर्म शुगर्स यूटिलाइजिंग the assimilatory power. And this is also referred to as the dark reaction, as it is dependent on products of the light reaction. Products of the light reaction pe to dependent hai, lekin hai light independent. तो यहां हमने क्या देखा? क्लोरोप्लास्ट शोज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर. यहां मौजूद है मेम्ब्रेनियस सिस्टम और फ्लूइड स्ट्रोमा. मेम्ब्रेनियस सिस्टम में क्या होता है? ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ द एसिमिलेटरी पावर. एसिमिलेटरी पावर क्या है? दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच. ये इसका फ्यूल है डार्क रिएक्शन का. जब फ्यूल भरेगा तभी तो जाके गाड़ी चलेगी. तो सेम इज द केस हियर. यहाँ पर लाइट रिएक्शन में क्या बना है? पार बनी है, फ्यूल बना है. और क्योंकि ये स्टेप जो है ये लाइट पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको हम कह देते हैं लाइट रिएक्शन. अब वे ये फ्यूल यूज होता है इन द डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है? इन द फ्लूइड स्ट्रोमा, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर क्या बनता है? शुगर बनता है. And this dark reaction is independent of light but depends on the product of the light reaction. अब हम बात करेंगे अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट.
देखिए जो मेसोफिल सेल्स हैं लीव्स के, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो इस टाइप से अलाइंड होते हैं सो दैट दे कैन गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. तीन टाइप की लाइट इंटेंसिटीज हैं, दैट इज हाई लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी एंड मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी. और तीन टाइप के ही अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं. सो लेट अस लुक एट दैट. तो अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है, वी कैन स्टडी इट अंडर थ्री कैटेगरीज. सबसे पहला है हाई लाइट इंटेंसिटी. हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर अगर हम देखें, दिस इज द मेसोफिल सेल, दिस इज द हाई लाइट इंटेंसिटी. और यहां जो क्लोरोप्लास्ट अरेंज होंगे दे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट और द लैटरल वॉल. दे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट और लैटरल वॉल, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइट इंटेंसिटी है. सो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज पैरास्ट्रोफी अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो हियर क्लोरोप्लास्ट आर पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट और द लैटरल वॉल. क्लियर. सेकेंड केस हम देखेंगे ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी. अब जब लो लाइट इंटेंसिटी है तो दिस इज द मेसोफिल सेल, दीज एरोज रिप्रेजेंट द लो लाइट इंटेंसिटी. तो यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट है इन द मेसोफिल सेल दे विल बी अरेंज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट. जो इंसिडेंट लाइट है उसके परपेंडिकुलर अरेंज होंगे ताकि इनको ऑप्टिमम लाइट मिल सके. तो यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट होंगे दे विल बी अरेंज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट एंड सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एपिस्ट्रोफी. क्लोरोप्लास्ट परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट. क्लियर. थर्ड केस आता है ऑफ मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी. मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी, यहां पर मेसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे विल बी रैंडमली अरेंज्ड. ओके, सो यहां पर दे विल बी रैंडमली अरेंज्ड लाइक दिस. इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी. क्लोरोप्लास्ट arranged randomly in the mesophyll. Clear? तो यहां हमने देखा है अलाइनमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. अलाइनमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डिपेंड्स अपॉन द लाइट इंटेंसिटी. अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो दे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट और द लैटरल वॉल. इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं पैरास्ट्रोफी. लो लाइट इंटेंसिटी है तो दे विल बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट. इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एपिस्ट्रोफी. और मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी है तो दे विल बी रैंडमली अरेंज इन द मेसोफिल सेल. So this was all about the alignment of the chloroplast. Abhi tak humne kya dekha? We have studied about the site of photosynthesis. Green plants ke andar what is the site of photosynthesis? The leaves. Yahan par maujood hota hai chloroplast jahan pe perform hota hai photosynthesis. Then we have studied about the structure of the chloroplast. Structure of the chloroplast humne dekha. Iske baad humne dekha there is clear cut division of the labor within the chloroplast.
यानी मेम्ब्रेनियस सिस्टम क्या परफॉर्म करता है, लाइट रिएक्शन, जहां पर लाइट एनर्जी ट्रैप करी जाती है और बनती है एसिमिलेटरी पावर, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच, जो कि फ्यूल की तरह यूज होगी फॉर ड्राइविंग द डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन कहाँ पर चलता है? इट अकर्स इन द फ्लूइड स्ट्रोमा, जहां पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन टू फॉर्म द शुगर्स. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. इट डिपेंड्स अपॉन द लाइट इंटेंसिटी. किस टाइप की लाइट इंटेंसिटी है? हाई लाइट इंटेंसिटी है तो जो क्लोरोप्लास्ट होंगे इनसाइड द मेसोफिल सेल्स, दे विल लाई पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज द पैरास्ट्रोफे. देन अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो वो कैसे अरेंज होंगे? दे विल बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे. इस टाइप का अरेंजमेंट कहलाता है एपिस्ट्रोफे. और अगर मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी है तो क्लोरोप्लास्ट जो है दे विल बी अरेंज रैंडमली इन द मेसोफिल सेल्स.